कई सारे लोग जो है हमारी कम्युनिटी में हैं जो ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है शायद ये मज़हब में तो है मगर कंट्री में हमारे मुल्क में जो कानून है जो लॉ ऑफ द लैंड है शायद उसमें वैलिड नहीं और यह सोसाइटी में या माना नहीं सोसाइटी में जाता। माना नहीं जाता। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये लॉ ऑफ द लैंड एज लॉ ऑफ लैंड वैलिड है मगर शायद ये कुरान शरीफ में नहीं है या क्या दीन बात। में नहीं है, जी जी एक बहुत ही उस किस्म का। तो उस नज़रिए से आपका सवाल बहुत अहम है। तो शुक्रिया। दोनों तरीक़े से अगर दीन भी देखें हम या लॉ ऑफ द लैंड देखें जो हमारे मुल्क की जमहूरियत है यहाँ पे जो कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको लेके या और लॉज हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉज, तो उसमें ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जब जिसमें एक लड़का और लड़की का एक यूनियन होता है और वो दोनों उस पर सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद उसमें कंडीशंस भी जो कि यहाँ पे गेस्ट ने भी बताया कि जो जायज़ कंडीशंस है वो उसमें आप इंक्लूड करते हैं। तो इसमें मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है इंटरेस्टिंग। वो कंसिडर ये करता है, उसमें ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है निकाहनामा ये एक एविडेंस है कि ये जो लड़का और लड़की है ये जो मुसलमान लड़का और लड़की है ये इनके यूनियन का एक एविडेंस है बिकॉज़ इन दोनों ने इसमें सिग्नेचर किया है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसमें इन्होंने एक दूसरे को अपना एज पार्टनर एक्सेप्ट किया है। तो दैट वेज अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं लॉ में वो ये है कि वन डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आपस में लिख ली है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस और दोनों पार्टीज अग्री हो रही हैं कि जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे इस किसी भी काम को लेके और दोनों पार्टीज के सिग्नेचर है रजिस्टर्ड है। तो देयरफॉर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर आप किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को लेके अग्रीमेंट कर रहे हैं और दोनों पार्टीज का सिग्नेचर है विटनेसेस है सो दैट वेज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ताहिर महमूद साहब की भी जो कि जूरिस्ट है उनकी भी बुक है, मेरे खुद के फादर की भी बुक्स हैं इसमें प्रोफेसर वानी की, जिसमें बहुत ही क्लियरली ये दिया गया है कि दैट द मुस्लिम मैरिज इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा जी। इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज। अच्छा इसमें यह है कि जैसे डॉक्टर सादिया ने भी अभी बताया कि कंडीशंस जो होती हैं उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, इनके पास एक मॉडल निकाहनामा भी है, मुझे मौका मिला इसको देखने का। तो इसमें देखिए जैसे कि विद टाइम आप बता रही थी कि एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, अब जॉब्स भी करने लगे हैं लोग, कुछ लोग जो है बहुत अच्छा रिश्ता आ जाता है तो अभी पढ़ ही रही होती हैं लड़कियां और शादियां उनकी कर शादी देते हो हैं। जाती है, तो मान लीजिए कि लड़की जो है वो कंटिन्यू करना चाहती है अपनी एजुकेशन तो वो निकाहनामे में ये चीज़ लिख सकते हैं कि हम अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। जी तो दोनों पार्टीज ने चूंकि उसने का नाम पे सिग्नेचर किया है तो इट इज़ एक्सेप्टेड।